पीएम ने कहा कि मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। मैं चौकीदार हूँ, मेरा देश परिवार है, ये मेरा परिवार है। अब इस धरने पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, न्याय यात्रा भी खत्म होने वाली है, क्या असर पड़ पाएगा, क्या इस तरह का कैंपेन कांग्रेस आगे बढ़ा पाएगी और इस कैंपेन का असर होगा। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन दक्षिण को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि बीजेपी वहाँ उतनी मजबूत नहीं है। तो इसी कड़ी में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि पहले ही नारा दिया है 400 पार और 370 पार बीजेपी, तो ऐसे में दक्षिण दुर्ग साधने की लगातार कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से तेलंगाना पहुंचे हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने अभी जीता है, ऐसे में वहां पर 24 घंटे में दो जनसंवाद करना, दो दो रैलियां करना, वाकई कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सेंधमारी जो है कहीं ना कहीं विपक्षी गढ़ में सीधे तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि भले ही अमेठी राहुल गांधी हार गए हों, लेकिन केरल का वायनाड जीत गए थे वहां से वो सांसद। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जब राह कांग्रेस को उत्तर में नहीं मिली, तो दक्षिण की तरफ राह ढूंढने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन अब बीजेपी वहां पर भी जाके किलेबंदी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की शुरुआत। देखिए, कहां से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसके बाद उन्होंने संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साध दिया। पीएम मोदी कहते हैं कि पता है लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है, उसका कारण है मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूँ। एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से परिवारवाद और घोटालों को लेकर विपक्ष को निशाने साध रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते, वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर कब्जा करने की छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बोलते हैं कि विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के लिए जमीन आसमान बेच दिए और अपनी कोठियां भी बनवा ली, मैंने आज तक अपना घर भी नहीं बनवाया है। और ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है बीजेपी के लिए, जब प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, और ये हर बार बताते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़े हैं, किस तरह से उन्होंने परिवार छोड़ दिया, किस तरह से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए ही आगे जीते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सटीक बैठता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाता है। 2014 से ही देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री रहते हुए अब तक 150 करोड़ के गिफ्ट नीलाम करवाकर जनता की सेवा में लगा दिए हैं। मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है, पहला पॉइंट। प्रधानमंत्री ने कहा, कल भी मैं तेलंगाना में था और आज भी आया हूं, इन दो दिनों में 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने कहा था भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, ये वादा बीजेपी ने पूरा करके दिखाया है। हमने कहा था कि हम सब साथ मिलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे, ये वादा पूरा हुआ। मोदी की गारंटी पूरी हुई है, मोदी की गारंटी इस बार तक क्या कलाम बीजेपी का है। विपक्ष मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को और मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इसका कारण है क्योंकि मैं इनके सैकड़ों हजारों रुपयों के घोटाले की पोल खोल रहा हूं, मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा,
प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार मजबूत हो गए और वो राज्य बर्बाद हो गए। वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते, वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर काबिज करने की छूट है क्या? परिवारवाद का जो नारा है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी विपक्ष को निशाने पर लेते आए हैं और आज भी परिवारवाद के मुद्दे पर वो विपक्षी को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, इससे कहीं ना कहीं जनता को ये दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए वो तो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ देश की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देश के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, मेरा तो परिवार है नहीं तो मैं देश को आगे बढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस पर आम जनता विश्वास करेगी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है, पीएम मोदी कहते हैं, मैंने एक ही परिवार के 50-50 लोग पदों पर विराजमान देखे हैं। ये कहते हैं कि मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट, ये है विचारधारा की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया, मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने असुरक्षित है कि इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। आगे कहते हैं, मैं 150 करोड़ के गिफ्ट देश की सेवा में अर्पित कर दिए। कांग्रेस पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कमाई वालों को आगे नहीं बढ़ाते। किसी को बैठना पड़ा तो 80 से 85 साल वाले को बना देंगे, डरते हैं कि 50-55 साल वाला आया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का आखिर क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है, इन परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भर दी। मोदी ने खुद को जो तनख्वाह मिलती है उसमें से भी जब मौका आया कुछ ना कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया, इतने महंगे महंगे गिफ्ट लिए, उसके जरिए काले धन को सफेद बनाया। मोदी ने जो गिफ्ट लिए उसकी नीलामी होती है, अब तक करीब 150 करोड़ रुपए इसी तरह लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। परिवारवादियों ने जमीन आसमान बेचे, कोठियां महल बनवाए। पीएम मोदी कहते हैं उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहाँ करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए हैं, ये फर्क है। परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां महल शीश महल बनवा दिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नहीं, अरविंद केजरीवाल भी निशाने पर थे। मोदी ने अपने लिए घर तक नहीं बनाया, मोदी देश के गरीबों के पक्के मकान बना रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। परिवारवादियों ने देश की खदाने, महंगी जमीनें और आकाश तक बेचा। मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन आकाश पाताल दिन रात एक कर रहा है। बौखलाए हुए लोग मेरा परिवार ना होने की बात कर रहे हैं। आज 140 करोड़ देशवासी एक सुर में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे को कवर फायर देते हैं। तेलंगाना के लोगों ने बीआरएस और कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम बना लिया। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं ये तेलंगाना वाले बताएंगे। दुनिया को ये पता है कि दोनों के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना के लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं। बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे हैं, अब कांग्रेस क्या कर रही है? ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे, फाइलें दबा रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इन डी गठबंधन के नेता बौखलाए हुए हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार है नहीं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। और इसके बाद पीएम मोदी ने चेन्नई की रैली में फिर दोहराया कि जिन लोगों का कोई नहीं मोदी उनका है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार और तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीआरएस तो बीआरएस बन गया लेकिन उससे कुछ नहीं बदला, वहीं डीएमके का मकसद फैमिली फर्स्ट है। आपको बता दें कि पटना में शुरुआत कैसे होती है, पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली थी। अब रैली में लालू यादव ने कहा था, पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं, मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई। आगे राजद सुप्रीमो ने कहा कि उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है,
हिंदू अपनी मां के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। पीएम मोदी की माता जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई। मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में लालू का नाम लिए बिना उन्हें करारा जवाब तो दे दिया है, जिस पर राजनीति भी खूब गर्मा गई है और दोनों तरफ से बयानबाजी के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश ही मेरा परिवार है, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। पीएम की स्पीच के कुछ देर बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया, जैसा कि कल हमने बताया भी था। पीएम मोदी ने 4 मार्च से अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने का पूरा इरादा कर लिया है। इस दौरान वे 27 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। खबरों की माने तो पीएम मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। तो परिवारवाद की लड़ाई जो है वो अब सियासी हो गई है। जो आए एक तरफ विपक्षी दल लगातार ये पूछ रहा है कि पीएम मोदी का तो परिवार ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है, तो दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है देश की, वो हमारा परिवार है। जिसके बाद एक अलग ही जो लाइन है वो शुरू हो गई है, मैं चौकीदार हूँ, मेरा देश परिवार है, ये मेरा परिवार है। अब इस धरने पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। कल भी हमने भारत एट 9 में इस पर चर्चा की थी और बताया था कि इस तरीके से सभी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मोदी का परिवार करके अपने बायो में अपडेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आज जब हमने सोशल मीडिया खंगाला तो देश के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो भी कैंपेन बीजेपी चला रही है, लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि न्याय यात्रा भी खत्म होने वाली है, क्या असर पड़ पाएगा, क्या इस तरह का कैंपेन कांग्रेस आगे बढ़ा पाएगी और इस कैंपेन का असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब समय कम है और साथ ही साथ बीजेपी ने तो पूरी तरीके से ठान लिया है आगे किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब अब धीरे धीरे करके नजर आ रही है। भारत एट 9 में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मोदी का परिवार से बीजेपी इस बार 370 लेकर आएगी और एनडीए 400 पार हो जाएगा, या फिर जो कांग्रेस का रथ है, इंडिया गठबंधन का जो रथ है, वो यहाँ बीजेपी को रोकने में कामयाब रहेगा। धन्यवाद।